हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में 1,00,000 रोजगार देंगे। साथ ही घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी बात है। इसके अलावा हर घर लक्ष्मी के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रूपए दिए जाने का वादा किया गया है। वहीं घोषणा पत्र जारी होने के बाद मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं प्रतिज्ञा पत्र है, जिसमें हिमाचल, हिमाचलियत और हम का वर्णन किया गया है। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 2017 में भाजपा ने बहुत बड़ा घोषणा पत्र जारी किया था, उसे जयराम सरकार ने पूरा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अनुभवहीन सीएम बताया और जमकर निशाना साधा। जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र, घोषणा पत्र नहीं है, कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है, जिसमें हिमाचल, हिमाचलियत और हम तीनों का इसमें वर्णन किया गया है और इसमें ये भी वायदा किया है कि हम जो वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा हमने की है, उसको हर हालत में निभाएंगे। ना कि भारतीय जनता पार्टी के 2017 के घोषणा पत्र, बहुत बड़ा घोषणा पत्र दिया, लेकिन उन्होंने, जयराम सरकार ने उस घोषणा पत्र को पूरी तरह नज़रअंदाज किया है। जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है, सरकार बनते ही एक कैबिनेट कमेटी का, सब कमेटी का गठन किया जाएगा और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो है कैबिनेट सब कमेटी जो है हर विभागों के साथ विचार विमर्श करेगी और उनको हिदायत देगी। आम लोगों की, हिमाचल के लोगों की जो राय होती है वो भगवान भी मानते हैं। जयराम से मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ, उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ और हर मामले में उससे ज़्यादा जो है अनुभवी हूँ। तो जयराम जी को तो पता लगना चाहिए कि जयराम जो है मोस्ट इनकम्पिटेंट और सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची वाला, हिमाचल को दिवाली के कगार पे लाने वाला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साबित हुए। पास आंकड़े नहीं है, हमने सबसे ज्यादा 2012 और 17 में सबसे ज्यादा रोजगार हमने हिमाचल में दूर दिया है। जयराम तो थोड़े 12,000 लोगों को रोजगार दिया, हमने उस वक्त भी 80 या 85,000 लोगों को रोजगार दिया और हमने, मैं बताऊँ, रेवन्यू विभाग में हमने जो है 3500 पटवारी भर्ती की।